बहुत ताने मिल रहे हैं यहाँ बेचारी को, सोफों की चादर बिछानी नहीं आ रही है अभी। अब नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। या अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मेडी व्लॉग। आज हूँ मैं अम्मी के घर, तो यहाँ की आज आप लोगों से मैं दावत शेयर करने वाली हूँ। और जी ये नाश्ते में आ गई है हलवा पूरी, अब इसको करेंगे डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। पूरियाँ नाश्ते में गर्मा गर्म सी मज़ेदार सी ये पूरियाँ हैं, ये पाँचों की पाँच पूरियाँ, ये हमारी पराठे, ये लच्छे वाले पराठे हैं, ये दो पराठे हैं, ये मैंने अपने लिए पराठे मंगाए, मैं हलवा पूरी नहीं खाती, ये भी रख देते हैं टिफिन के अंदर। ये इसके साथ आया है गर्मा गर्म आलू की कतलियों का सालन, वो जो हलवा पूरियों के साथ आता है ये वही है, और ये बहुत मज़े का होता है, मज़ेदार सा होता है। चलें जी, निकल गया ये सारा, अब चलो दूसरा वाला सालन इसके साथ क्या आया वो भी देखते हैं। और ये आया इसके साथ छोलों का सालन, छोलों का सालन भी बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा हम घर में भी बनाते हैं लेकिन इस तरह का कोई साथ। चलें जी अब नाश्ता करेंगे और नाश्ते वक्त करके मिलते हैं हम सब। यहाँ मुझे हलवा जो है ऐसा सादा सादा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलें इस पे कुछ और डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स मेरे पास पड़े हुए थे, वरना तो हलवा पूरी वाले देते नहीं हैं साथ में, लेकिन अब मैंने घर में जो रखा हुआ था। यहाँ जो है नाश्ता रेडी है और अभिया ने आज हमारी जो है सब काम जो अभिया ने किया है, अभिया ने निकाला है और अभिया ने इसका डिश आउट किया, और बस हम यहाँ नाश्ता करेंगे सब मिलके और फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद और दिखाते हैं कि आज खाने में बनने वाला है दोपहर में। चलें जी। बहुत ताने मिल रहे हैं बेचारी को, सोफों की चादर बिछानी नहीं आ रही है अभी। अब नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ से बिछाओ, यहाँ से अंदर करो, यहाँ से इस साइड से पहले अंदर करो, बिछाना सीखो ना, नहीं आते तो बिछाना सीखो। हाँ अभी हमें झाड़ू लगाने की बहुत अच्छी क्वालिटी है। चलो यहाँ से तो अंदर करो, यहाँ इस साइड से पहले। कहाँ से अफिया, कहाँ से बस हो गया ना फिर। ये ऐसे ऐसे बिछेगी चादर, ये अल्लाह माफ करे, मैं बिछाती हूँ। रुको साधु ने बिछाई अब ये मजाबी मुझे चादर सेट करते हुए ऐसे खाते अबे हो गई अंदर, कैसे हो गई ये तो सोफा जैसा बन गया, ये सोफा ही था, सोफा जैसा बनेगा। अच्छा ये तो सोफा ही है, सही है भाई। चलो मैंने इसे जमीन की तरह बिछाई थी ना चादर, इसलिए मुझे सोफा समझ नहीं आ रहा था। और ये मदियापी सरीके मंदी से अपना हुनर दिखाते हुए सेट कर रही है। यहाँ झाड़ू वाड़ू हो रही है, यहाँ कचरा वगैरह उठ रहा है, यहाँ झाड़ू हो रही है, और यहाँ बच्चे लेटे हुए हैं सोकर उठे हैं अभी सुबह मॉर्निंग में। यहाँ शोरेम है, यहाँ आयत है, आयत तो अपनी ब्लैंकेट पर ही लेट गई है, और यहाँ पर ये सब बच्चे जो है इस तरह से लेटे हुए हैं। LED में इनको पोयम लगानी है, ये यहाँ वेट कर रहे हैं, शोरेम यहाँ लेटे हुए, आयत यहाँ लेटी हुई है। और यहाँ बच्चों के मैंने सुबह ही कपड़े धो के डाल दिए थे सारे, और यहाँ काम हो रहा है अभी काम। चले जी यहाँ खाने की तैयारी हो रही है, और खाने में पहले तो मैं फिश की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वही नमक लगाया हमने, हल्दी मिर्ची
और पिसी हुई मिर्च होती है और गरम मसाला, ये सब कुछ यहाँ इसमें हमने मिक्स कर दिया है। उसके बाद ये अजवाइन थोड़ी सी हमने इसके अंदर डाली है और कुटी हुई मिर्च और बेसन लगाकर यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, उन्हें समझ में नहीं आता बाहर का मछली का मसाला, तो उन्होंने अपना ही मसाला उस लगा कर इसे फ्राई किया है, वरना तो अक्सर लोग पैकेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ अम्मी ने जो है अपने ही मसाले से मछली को बनाया है और इसे हम फ्राई करेंगे और मज़ेदार सी मछली जो रेडी होगी वो दिखाएंगे। और ये एक मज़ेदार सी चीज़ है, ये क्या है, क्या बोलते हैं, सोन हलवा, कड़क वाला जो होता है ना, वो बाबा लेकर आए हैं अभी देने के लिए। और यहाँ लाइन लगी हुई है, ये एक हाथ अभी का है, एक हाथ आयत का है, यहाँ पर एक और, ये एक हाथ एक मेरा है, यहाँ लाइन लगी हुई है खाने के लिए। हमारी बारी कब आएगी, आयत भी ले लेगी क्या सारे, बस हो गया तुम्हारा, ये अब इसको अजलान को, इसको अच्छा। यहाँ हमारी दूसरी रेसिपी स्टार्ट हो गई है और दूसरी रेसिपी में हम जो है चावल बना रहे हैं, और चावलों में क्या बनाएंगे वो मैं बता देती हूँ। चावलों में हम बना रहे हैं मटर का पुलाव, और माशाल्लाह से हाँ भगोना देखें और तो अंदाज़ा ही हो जाएगा, माशाल्लाह हम चार सिस्टर्स हैं फिर उनके हस्बैंड्स, तो इस वजह से माशाल्लाह से काफ़ी सारा बना खाना भी। तो यहाँ हम मटर का पुलाव स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ हमने सारा खड़ा मसाला लिया है, बड़ी इलायची, लौंग, साबुत दालचीनी और ये बादियान का फूल, जायफल, जावित्री, ये सब हमने खुशबू के लिए, बघार के लिए हम पुलाव के अंदर डालेंगे, ठीक है ना। ये सारा जो है हमारा गरम मसाला जो होता है वही गरम मसाला है, ये हम सारा गरम मसाला पुलाव के अंदर डालेंगे। और थोड़ा सा टमाटर भी हमने यहाँ काट लिए हैं। प्याज में सबसे पहले हमने टमाटर मिक्स किया है, मिक्स करने के बाद ये सारा खड़ा मसाला हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ सबसे पहले हमने आलू ऐड कर दिए हैं और मटर ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसकी जो मैं आपको डिटेल रेसिपी है वो तो मैं अपने आप को जो रेसिपी डालती हूँ मैं उसी में ही दूँगी, यहाँ तो ये व्लॉग था तो छोटी बहुत थोड़ी बहुत रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली, वरना तो इतना कोई इरादा नहीं था मेरा। अगर मैं पूरी वन बाय वन एक एक चीज़ डिटेल में आप लोगों के साथ यहाँ मैं शेयर करती तो काफ़ी सारी लंबी रेसिपी हो जाती और काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता, तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। ये जो है अब मैंने हमने यहाँ हरी मिर्चें डाल दी हैं, खड़ा मसाला डाल दिया है, सारा मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे हम पानी डालेंगे और इसे ढक देंगे और इसे आलू गलने तक और थोड़ा सा मटर गलने तक इसको पकाएंगे। और यहाँ हमने तेज़पात डाला है और नमक बाद में ऐड किया है, ठीक है। ये सब हमने मिक्स कर दिया अच्छे से, पानी डाल दिया इसके अंदर। पानी डालने के बाद हम जब गर्म हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर जो है चावलों को ऐड करेंगे। यहाँ चावल हमने पहले से भिगो के रखे थे तो अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। यहाँ हमने चावल ऐड कर दिए हैं, ऐड करने के बाद इसे हम जो है दम लगाएंगे बाद में, साफ सबसे पहले तो हम यहाँ चावल ऐड कर रहे हैं। मैं फिर बता रही हूँ इसकी डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, जिसमें मैं अपनी सिर्फ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बस ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने कहा चलें भाई ये भी शेयर कर लिया जाए कि पका क्या है और अम्मी हमारी कैसा खाना बनाती हैं, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज सा। और यहाँ ये दम हो गया है और ये मटर का पुलाव देखें कितनी खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है। अच्छा, अम्मी का पुलाव हमारी हमेशा वाइट बनता है और मुझसे जो पुलाव बनता है वो इतनी वाइट सी शक्ल नहीं आती पुलाव में, लेकिन आती है, लेकिन ये वाला टेक्सचर नहीं आता। अच्छा, अम्मी का खाना तो अम्मी का ही है। और यहाँ हम दम दे रहे हैं चावलों को, दम देने के बाद मीठे की रेसिपी जो है, यहाँ जो है खुबानी का मीठा था वो मैंने शायद शॉर्ट में ही डाल दिया, वो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ मैंने डिटेल में नहीं बताया वरना काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता। यहाँ पर सलाद कट रही है, सलाद में क्या काट रही हूँ ना, खीरा और मूली, खीरा और मूली यहाँ कट रहा है। बाकी पुलाव आज हमने बनाया है, मछली फ्राई की है, सारी बहनें हैं और फिर देखते हैं खाने में क्या है। और बाकी ये यमुना ने आके पूरा घर फैला दिया, इसने बैग, ये बच्चे का पैम्पर, ये कॉट, ये चेयर, ये पूरा घर इस तरह पूरा फैला हुआ हो रहा है। ये बहनें आती हैं, बच्चे हैं तो सब कुछ इस तरह बिखर जाता है, ये खिलौने बच्चों के टॉयज सब कुछ बिखरा हुआ है। ये मेरे भी बच्चे हैं लेकिन मैंने उनका सामान समेट लिया ना इसका दिखा रही हूँ यमुना। मैं भी एक छुरी लेकर आ गई हूँ, ये ना इसने अकेले बनाया है, मैं भी इसके साथ सैलेड बनाऊंगी। खाना तो सारा बना लिया है अम्मी ने, लेकिन हम दोनों जो है सैलेड बना के जो है शहीदों में अपनी उंगली कटवाएंगे कि हमने कुछ तो किया है। सैलेड बन रहा है, बस हम सीधे बस खीरे काटेंगे और मूली काटेंगे और बाकी पुलाव है, फिश है, ये मैंने बता दिया है, बस इसी के साथ चलें जी। सैलेड डन हो गया, अब इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर।
माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत फिश की नज़र आई है। शक्ल ये देखिए, यहाँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ सैलेड हमने साइड में रख दिया है, ये फ़िश है, यहाँ पर ये मैंने इस तरह गार्निश किया है इसे जो है हरी मिर्चों से और हरे धनिए से, और बाकी चावलों का वही पुलाव है। तो कहते हैं ना, बाप का साया वालदेन का साया लड़कियों पर बहुत ज़रूरी है, और वाकई मैका लड़कियों का बाप और माँ के दम से ही होता है कि अल्लाह ताला हमारे हमेशा वालदेन को सलामत रखे, जिनके सर पे माँ का और बाप का साया है हमेशा हमेशा वो उनके लिए रहें। और वाकई जो है हम जब जाते हैं तो हमारे वालदेन खुश होते हैं, माँ बाप का दिल करता है कि उन्हें क्या निकाल कर खिला। ये है और ये है सैलेड। अजीन तो फिर भी खा लेता है इतना, ये चखे ना। हाँ हाँ खाते भी नहीं देखती। और ये हर दावत की शान भाई, खाना जितना ही क्यों ना लजीज हो लेकिन जब तक के एंड में चाय ना मिले दिल को सुकून नहीं मिलता, दिमाग को सुकून नहीं मिलता। तो ये एंड में यहाँ चाय निकाल रहे हैं, ये मेरे बाबा निकाल रहे हैं, और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी और ये चाय निकाल रहे थे। तो यही बात है कि जो मैंने आप लोगों से अभी कहा कि वाकई माँ बाप का साया और बाप का साया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वाकई बेटियों की ये बाप से कुछ अलग ही अटैचमेंट होती है। और ये हमारी नाइट क्रेविंग है, मतलब इतनी दावत में खाना खाने के बाद भी हमारे पेट में इतनी जगह थी, जब हम रात में सारी बहनें बैठकर बातें कर रही थी तो हमने मैगी वगैरह बनाई और ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग और ये अम्मी के घर की दावत थी। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।